हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह से उठकर मैंने किया ब्रश और उसके बाद मैं चला गया छोटे छोटे पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि आजकल जो मेरे पौधे हैं वो छत पे रहते हैं और वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद मैं चला गया नहाने। नहाने के बाद मैंने करी पूजा। पूजा करने से जो मन को शांति मिलती शायद वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मुझे आज घर से काम करना था तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया ऑफिस का। और आज वैसे भी सैटरडे था लेकिन बाकी डिपार्टमेंट की छुट्टी रहती मेरे ऑफिस में लेकिन मेरी नहीं। तो काम करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए। फिर मैं आ गया रसोई में। रसोई में मैंने बनाया था ये पेस्ट। इसमें डाल रखा था मैंने पनीर और प्याज काट के। उसके बाद मैंने बनाया था ये बेसन का पेस्ट। फिर मैंने दोनों ब्रेड्स को लिया, उसमें स्टफिंग जो मैंने बनाई थी मैंने उन्हें फिल करके उन दोनों को फोल्ड कर दिया था। फिर मैंने इन दोनों ब्रेड्स को काटा। काटने के बाद मैंने इन्हें बेसन्स के जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें भिगोने के बाद मैंने उसे किया तेल में डीप फ्राई। ऐसे करके मैंने सभी ब्रेड पकौड़ों को तेल में डीप फ्राई करने के बाद सर्व कर दिया था। उसके बाद मैंने किया इसको टेस्ट। टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर की पनीर की जो स्टफिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसको मैंने कोक के साथ पिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।